नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ महालक्ष्मी की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक विद्वान गरीब ब्राह्मण रहता था। नियम का भी वह बहुत पक्का था। एक जंगल में पुराना विष्णु जी का मंदिर था, उसमें वह नित्य प्रतिनियम से पूजा करने जाया करता था। उसी पूजा को देखकर भगवान विष्णु उस ब्राह्मण पर प्रसन्न हुए और दर्शन दिए। भगवान ने उसे धन प्राप्त करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक औरत कंडे थापने आती है, सुबह आकर उसे तुम पकड़ लेना और अपने घर रहने का आग्रह करना, और तब तक ना छोड़ना जब तक कि वह तुम्हारे घर रहना स्वीकार ना कर ले। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है और उसके तुम्हारे घर आते ही सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चला आया। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गए और जब लक्ष्मी जी कंडा थापने आईं तो उनको उस ब्राह्मण ने पकड़ लिया। लक्ष्मी जी चक्कर में पड़ गईं कि आज मेरा आंचल किसने पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण पकड़े खड़े हैं। उससे उन्होंने आंचल छोड़ने को कहा, परंतु ब्राह्मण ने नहीं छोड़ा। ब्राह्मण बोले, आप मुझसे यह वादा करिए कि मैं आपके घर चलूंगी, तब मैं आपको छोड़ दूंगा। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की करतूत समझकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक व्रत धारण करो, फिर 17वें दिन रात्रि को चंद्रमा का पूजन करके उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी स्वयं चली आईं और ब्राह्मण के घर में निवास करने लगी। इसलिए यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे लक्ष्मी जी, जैसे आप उस ब्राह्मण के घर आई, वैसे ही हम सबके घर भी आना और हम सब पर अपनी कृपा बरसाना। धन्यवाद। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।